हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित और वेलकम टू माय चैनल सुमित सर्स हर्षित एकेडमी। इस वीडियो में मैंने क्वार्टर जॉइंट का एक और एग्जांपल लिया है जो 2018 में पूछा हुआ है फॉर 4 मार्क्स। ये क्वेश्चन लेने का मेरा एक ही मकसद था क्योंकि ये एग्जांपल में थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, राइट? इसलिए एग्जांपल मैंने लिया है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले आपको क्वार्टर जॉइंट का बेसिक क्या है, किस तरह से अलग अलग डायमीटर्स उसमें होते हैं, जो भी आपको समझना है वो लेक्चर नंबर 1 के वीडियो में आप प्लीज उसे देख लेना। इसमें तो मैं सिर्फ एग्जांपल ही सॉल्व करूंगा। इससे पहले वाले वीडियो में भी, नहीं लेक्चर नंबर 2 में भी मैंने एक एग्जांपल सॉल्व किया था, लेक्चर नंबर 3 में भी दूसरा एग्जांपल, लेक्चर नंबर 4 में तीसरा एग्जांपल। तो क्वार्टर जॉइंट के 3 एग्जांपल्स में सॉल्व करने वाला हूं। तीनों तीन आप समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आराम से मार्क्स आ सकते हैं, हार्ड नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं, हम पहले ये क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और साथ ही साथ पढ़ते पढ़ते हम यहाँ पे गिवन डेटा लिखते रहेंगे, ठीक है? Given data. A quarter joint is designed to resist a load of 50 kilonewton. यानी कि आपको ये जो लोड है P, वो कितना है? 50 kilonewton. 50 kilonewton लोड लग रहा है, यानी खींच रहा है, उसको रेजिस्ट करने के लिए, रेजिस्ट वो लोड को सहन करने के लिए आपको क्वार्टर जॉइंट बनाना है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट ऐसा बताता है। तो हम यहाँ पे लोड लिखेंगे P इक्वल्स टू 50 किलो न्यूटन, और हमेशा इस लोड को हम लोग न्यूटन में कन्वर्ट करते हैं, उसका मैंने कन्वर्जन भी लिखा हुआ है। तो क्या आएगा? 50 × 10³ न्यूटन। आगे, which acts along the axis of the rods connected by the quarter. ये भी P के बारे में बता रहा है कि P load axis पे लग रहा है जो quarter joint से connect है। The material of the rod and quarter is same. ये material rod का, ये rod जो जाएगी वो, और quarter का material same है, ऐसा हम यहाँ पे लिखा हुआ है। और आपके सिलेबस के हिसाब से मटेरियल हमेशा सेम ही होता है, ठीक है? एंड टेंसाइल क्रशिंग एंड शियर स्ट्रेसेस आर दिस दिस दिस, ठीक? तो टेंसाइल लास्ट में रिस्पेक्टिवली लिखा, यानी कि जो पहला वाला स्ट्रेस है, जो वैल्यू है वो टेंसाइल की है, दूसरी वाली वैल्यू क्रशिंग की है, तीसरी वाली वैल्यू शियर की है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा टी इक्वल्स टू 220 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। इस स्ट्रेस को हम मैक्सिमम स्ट्रेस लेंगे। ऐसा क्यों करना है वो भी आपको समझाऊंगा, अभी आप लिखो। क्रशिंग स्ट्रेस 400 सिग्मा सी मैक्स इक्वल्स टू 400 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। 110 शियर स्ट्रेस है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है? और आगे दिया है फाइंड रॉड डायमीटर, यानी आपको डी फाइंड करना है क्योंकि रॉड ये डायमीटर्स
स्पीगोट डायमीटर, स्पीगोट में दो डायमीटर्स है, एक तो कॉलर डायमीटर है और दूसरा D1 है। तो कॉलर तो आपको पूछा नहीं है, ओनली स्पीगोट डायमीटर इज रिटन, देयरफॉर वी विल टेक इट एज D1, राइट। क्वार्टर थिकनेस हम T लेते हैं, वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये डायमीटर्स के सब जो नाम है वो सब लेक्चर नंबर 1 में मैंने समझाए हैं, एक बार वो भी आप स्टडी कर लें। आगे दिया है एज्यूम फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल्स टू 4, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का जो कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा, उसका भी मेरा एक वीडियो अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हैं। और यहां पे मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है। जब भी हम कोई डिजाइन बनाते हैं, वो डिजाइन में हम एक सेफ्टी का फैक्टर रख देते हैं। सपोज एक मार्कर का एग्जांपल लेता हूं, अगर ये मार्कर पे जब मैं लिख रहा हूं तो लोड सपोज 1 kg आता है मैक्सिमम लोड, तो वो लोड जो है 1 kg लोड मैक्सिमम उतना ही आता है। पर हम जब डिजाइन करते हैं तो अगर मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 रखता हूं तो मार्कर पे जो लोड लग रहा है 1 kg का, उसको डबल करूंगा। अगर मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 रखूंगा तो लोड जो लग रहा है उसको मैं डबल करके डिजाइन करूंगा। तो मैं सोचूंगा कि 1 नहीं 2 लगेगा तो उसके लिए मैं डिजाइन करूंगा, ठीक है। अगर मेरा मार्कर पे लोड 1 kg लग रहा है और मैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4 लेता हूं तो मैं जो लोड लग रहा है वो 1 को मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा 4 kg। यानी मैं फिर 4 kg के हिसाब से पूरा मटेरियल सिलेक्शन डिजाइनिंग वगैरह मैं करूंगा, ठीक है। यानी फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखने का मतलब ये है कि आप डिजाइन को सेफ बना रहे हो, ठीक है। तो ये सब फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसीडर करने के बाद ये स्ट्रेसेस है। यानी इसको हम मैक्सिमम क्यों लिखा है, क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट ऐसा है दैट एक फॉर्मूला में लिखता हूं, सेफ स्ट्रेस इक्वल्स टू सेफ स्ट्रेस इक्वल्स टू मैक्सिमम स्ट्रेस डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, राइट। यानी कि इसमें जो भी स्ट्रेसेस दिए हैं उसको हमको 4 से डिवाइड करना है। क्यों? बिकॉज फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4 है इसलिए, ठीक है। यानी इन शॉर्ट आप दिमाग में ये बात बिठाइए कि एग्जांपल में जब भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया होता है उसको हमेशा स्ट्रेसेस से डिवाइड करना है। जैसे कि यहां पे लेते हैं सिग्मा टी सेफ इक्वल्स टू मैक्सिमम स्ट्रेस क्या है सिग्मा टी का 220, डिवाइड किससे करना है 4 से, राइट। जो आंसर आएगा वो आंसर इसका आएगा 55 न्यूटन पर mm स्क्वायर, राइट। उसके बाद सिग्मा सी सेफ, ये सेफ का सिंबल है, ब्रैकेट सेफ का सिंबल है, सिग्मा सी मैक्स 400 है, इसका आंसर तो आएगा 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। फिर टाउ, उसको भी हम सेफ लेंगे तो आएगा 110 डिवाइड बाय 4, उसका आंसर आएगा 27.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, राइट। तो मैंने आपको जैसा बोला था कि डिप्लोमा सिलेबस के हिसाब से, डिप्लोमा लेवल के हिसाब से जो भी स्ट्रेस दिया होता है उसको हमेशा फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड
कर देना है, और जो बचेगा आंसर उसको अभी हम कैलकुलेशन में लेंगे। यानी अभी आपको अगर कोई फॉर्मूला में स्ट्रेस की वैल्यू डालनी है तो ये नहीं डालनी है, अभी ये डालेंगे। हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे रॉड डायमीटर। टू फाइंड रॉड डायमीटर डी, उसका फॉर्मूला क्या है, पी इक्वल्स टू, लिखा हुआ है मैंने, पी इक्वल्स टू पाई बाय फोर डी स्क्वायर सिग्मा टी। देखो यहां पे सेफ का सिंबल है जो ये बता रहा है। वैल्यूज पुट करेंगे तो पी के बदले में लिखूंगा 50 इंटू 10 रेस टू 3 पाई बाय 4 एज इट इज डी स्क्वायर एज इट इज सिग्मा टी की वैल्यू में डालूंगा 55। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैं नीचे नहीं लिख रहा, यहां लिख रहा हूं, जगह अवेलेबल है इसलिए। अब मैं क्या करूंगा, 4 जो d के साथ जो डिवीजन में है वो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, यानी 4 मल्टीप्लाई होगा, पाई डिवाइड होगा और 55 भी डिवाइड होगा, राइट। तो क्या बनेगा, 50 इंटू 10 रेस टू 3 इंटू 4 डिवाइड बाय पाई इंटू 55 इक्वल्स टू डी स्क्वायर। समझ आया, डी से जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई होगा, डी के साथ जो मल्टीप्लीकेशन में है वो डिवाइड होगा, ठीक है, इजी सिंपल। अभी इसका कैलकुलेशन मैंने किया हुआ है, आप भी कैलसी में करना, कि डी की जो वैल्यू, डी स्क्वायर की जो वैल्यू है डिवाइड करने के बाद आती है 1157.29 0.49। और अब आप d फाइंड करना है तो स्क्वायर रूट करोगे तो उसका आंसर आता है 34 mm। राउंड फिगर है, पॉइंट में नहीं है, 2 से डिवाइड होती है, 2 के टेबल में आती है, इसलिए ये आंसर d का हमारा फाइनल आंसर है। यानी कि रॉड डायमीटर आपको मिल गया। अब सेकंड आपको फाइंड करना है d1, जो बोलते हैं उसको हम स्पिगोट डायमीटर। टू फाइंड स्पिगोट डायमीटर सिंबल है d1, उसके लिए भी फॉर्मूला पहले रखेंगे। फॉर्मूला है p इक्वल्स टू पाई बाय 4 d1 स्क्वायर माइनस d1 t इनटू सिग्मा t। अब जैसे कि इससे पहले वाले सम में, यानी कि लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको समझाया था कि t के बदले क्या लिखना है, यहां पे d1 बाय 4, यानी यहां पे मैं लिखूंगा p इक्वल्स टू पाई बाय 4, ये तो वैसा का वैसा ही है, d1 p के बदले लिखूंगा d1 बाय 4। ये स्टेप बहुत ध्यान से समझना, कंफ्यूजन ना हो। अब ये d1 और d1 मल्टीप्लिकेशन में होगा तो d1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो ये बनेगा पाई बाय 4 d1 स्क्वायर माइनस, ये भी d1 इंटू d1, d1 स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू सिग्मा t। अब लेक्चर नंबर 2 के हिसाब से उसके जैसा ही सम है, d1 भी दोनों में है, सॉरी d1 स्क्वायर दोनों में है, 4 भी दोनों में है, कॉमन निकल जाएगा, तो ये बनेगा p इक्वल्स टू
डी वन स्क्वायर बाहर आ गया, फोर बाहर आ गया, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा? अब देखो डी वन स्क्वायर तो बाहर आ गया, फोर बाहर आ गया, तो यहां पे पाई बचा, ये तो पूरा का पूरा ही बाहर है, ठीक है, डी वन स्क्वायर अपॉन फोर पूरा टर्म बाहर है, तो हम वन लिखेंगे। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे और ये ब्रैकेट को भी यहां लेके जाएंगे, फोर को भी यहां लेके जाएंगे, सिग्मा टी को भी यहां लेके जाएंगे। तो पहले सबसे पहले वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो पी की वैल्यू क्या दी है, 50 इंटू 10^3, 4 जाएगा ऊपर, पाई माइनस 1 गया नीचे, ये पूरा टर्म नीचे यानी डिवाइड में, ये सिग्मा टी भी डिवाइड में, और सिग्मा टी की वैल्यू 55, राइट। अब क्या आंसर आएगा, डी वन स्क्वायर का आंसर आता है जब सॉल्व करोगे, डिवाइड करोगे, तो डी वन स्क्वायर का आंसर आएगा, आपको ये नीचे ही लिखना है स्टेप में, ठीक है, मेरी जगह कम है इसलिए मैंने वहां लिखा। तो डी वन स्क्वायर का आंसर आता है 1697.97। इसका अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो आंसर आता है 41.20। फिर से वही प्रॉब्लम कि भाई पॉइंट में आंसर है जिसको एक बढ़ाना पड़ेगा, तो 41 के बदले 42 लिख दोगे तो दोनों चीजें सॉल्व हो जाएगी, एक तो पॉइंट हट जाएगा, दूसरा के इवन नंबर आ जाएगा, यानी इसका जो 42 है वो आपका आंसर है डी वन का आंसर, ठीक है। डी वन का आंसर। तीसरी चीज ढूंढनी है थिकनेस, बहुत ही सिंपल है, लिखो टू फाइंड थिकनेस टी, ये लिखना ही है, टाइटल बना के ही सॉल्व करना है, ये तो डिजाइनिंग में तो कुछ समझ ही नहीं आएगा, पेपर जब चेक करने बैठेगा सर तो कुछ अलग अलग नहीं होगा तो उसको कुछ समझ ही नहीं आएगा, और उसको अगर समझ नहीं आया तो समझ लो आपके मार्क्स नहीं आएंगे। थिकनेस का फॉर्मूला है d1 upon 4, d1 की वैल्यू कौन सी रखनी है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार बच्चे पूछते हैं, क्योंकि d1 की वैल्यू हमने एक तो राउंड की और एक ओरिजिनल वैल्यू थी, तो इसमें कौन सी डालेंगे, इसमें हमेशा जो राउंड ऑफ किया हुआ जो फाइनल आंसर बनता है, 42 फाइनल आंसर बनता है ना, तो वही वैल्यू यहां डालेंगे, तो 42 डिवाइड बाय 4 और इसका आंसर आएगा 10.5। अब इसको राउंड ऑफ नहीं करना है और इसको इवन नंबर में भी नहीं लिखना है, जो आया थिकनेस का वैल्यू वो आप रख दो, ठीक है, ओके। तो यहां पे हमने तीन चीजें फाइंड की, डायमीटर ऑफ रॉड, स्पिगोट डायमीटर, थिकनेस ऑफ क्वार्टर, ठीक है। आशा रखता हूं ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, मुझे वो मोटिवेशन मिलेगा और मैं और ज्यादा टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।